दर्शन हो। सोचो इस बात, ये दिया है हमें सब जीव सब, क्या हमसे किसी से कुछ पूछा है क्या? और कितनी बड़ा रैंक दिया हमें भाई, ब्रांड एम्बेसडर है 160 प्रोडक्ट का, 160 प्रोडक्ट का ऐड करने का एग्रीमेंट हमारे साथ है। हमें 160 के लिए जितनी अच्छी एक्टिंग करेंगे उतना ही पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा। अरे होगा या नहीं? अब आप बताओ, एक्टिंग आपके हिसाब से हो सकती है क्या? हमारे हिसाब से करनी पड़ेगी या नहीं? क्योंकि हर दुनिया में हर सब्जेक्ट का अलग टीचर होता है, होता या नहीं होता? क्यों करना है काम? रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अब बताता हूं, दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस ये है तो ही आप करना, नहीं तो मत करना। मैं सारी चीजों से आपको दिखाऊं, सही है? IFBCL डॉक्टर इंजीनियर CA और साइंटिस्ट, आप बताइए ये बनना आसान काम है क्या? कितना मुश्किल काम है ये? इतना मुश्किल काम है जैसे मैं आपको बताऊं, 5 किलो घी, 5 किलो दूध में से 100 ग्राम घी निकालना, ऐसे ही बनते हैं लोग? आसान है क्या? बहुत पढ़ना पड़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये लोग, मैं इतना कहना चाहूंगा दोस्तों कि यही लोग हमारे देश को चलाते हैं। क्या करते हैं? देश को चलाते। आप बताइए जहाज कौन उड़ाता है, या नेता या पायलट? पायलट। बड़े बड़े ब्रिज कौन बनाता है? इंजीनियर। देश के पैसे का लेखा जोखा कौन रखता है? सी। यशानो, देश के जितनी भी व्यवस्था हैं, इनको IFBCL देखते हैं। यस। लेकिन दोस्तों ये एक एक्टिव इनकम, मैं कहता हूं हर जगह 2 लाख रुपए महीने का नौकर बनने से अच्छा है 10,000 रुपए महीने का मालिक बनना। ओके? ये जितने भी लोग बने हैं मालिक, ऐसे नहीं बन सकते। अब आप कंपेयर करो कि ये IFBCL डॉक्टर है, एक IAS खत्म हो जाता है, क्या उसका लड़का IAS बन सकता है? डॉक्टर खत्म हो जाए उसका बेटा डॉक्टर बन सकता है? पायलट का बेटा पायलट बन सकता है? कब बनेगा? जैसे बाप ने वो सारे काम किए थे, सारे इंटरव्यू पास किए थे, सारे टेस्ट पास किए थे, बेटा पास करेगा तो काम करेगा, बनेगा नहीं तो। अब आप बताओ, एक IAS आदमी था, मान लो हम और पंसर आओ, ताली बजाओ, मैं और पंसर दोनों दोस्त हैं, सही है? पंसर ने, पंसर पढ़े लिखे मेरे साथ ही पढ़े थे, लेकिन मेरे इंटेलिजेंस में थोड़ा कम था। पंसर ने तैयारी की, बहुत बढ़िया डॉक्टर बने। क्या बने? मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने एथलीट पर पहले ज्वाइन कर, सही है? क्या कर ली? एथलीट पर ज्वाइन कर ली। अब ये भाई बड़े डॉक्टर हैं, अच्छा पैसा जब नाम है, डॉक्टर साहब कहते सारे लोग, और इतने इंटेलिजेंट है कि भाई दिल बदल देते हैं, किडनी बदल देते हैं, दिमाग बदल देते हैं, बड़े इंटेलिजेंट आदमी। मैं केवल बातू ना आपको फेंकने वाला, सही है? अब दोनों ने काम शुरू किया। ये पहली बात तो यह है कि डॉक्टर बनेंगे तो इनको डॉक्टर बनने में 12 साल लगे, यशानो। और मैंने असली पे ज्वाइन किया तो 12 साल में मैं क्या बन जाऊंगा? बोलो, बन जाऊंगा 100 करोड़ रुपए कमाया हुआ। और हो सकता है कि जब इनकी डिग्री पूरी हो तो 100 करोड़ रुपए मेरे पास आएंगे, तो हॉस्पिटल में खोल लूं और पंचर से कहूं सर मेरे यही काम कर लो। हम पंचर को क्या चाहिए? और मैं पैसा, तो मेरे लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे? चलो ये भी छोड़ देते। एक दिन क्या हुआ, हम दोनों मर गए।
हाँ तुम क्या पंचदा जिंदे रहोगे। अब आप बताइए पंचक का बेटा डॉक्टर बन सकता है क्या? अरे बन सकता है क्या? लेकिन मेरा बेटा ब्रांड एंबेसडर बनेगा या नहीं? समझ रहे मेरी बात? समझ में आ रही है? इसका ये जो लोग अच्छे हैं, पावर है, सत्ता है, सब कुछ है, ईमानदारी से अरबपति नहीं बन सकते, बेईमानी से जरूर बन सकते। लेकिन हम ईमानदारी से भारत सरकार को टैक्स दे करके, दुआ कमा करके हम यहां बन सकते हैं। यस या नो? क्योंकि दोस्त पैसा कमाने में और लोग कमाने में फर्क होता है। पैसा कमाने में और लोग कमाने में फर्क होता है। पैसे से दवा आती है और लोगों से दुआ फ्री मिल जाती है। पैसे से दवा आती है और लोगों से दुआ फ्री मिल जाती है। और बुजुर्गों से सुना है दवा से ज्यादा दुआ काम आती है।